खुल गया खुल गया खुल गया नेचर व्यू फैमिली रेस्टोरेंट, जहां सभी तरह की वेज एंड नॉन वेज की कई वैरायटी उपलब्ध है। सुंदर मनमोहक प्राकृतिक नजारों के बीच आनंद ले अपने फेवरेट खाने का। यहां डेस्टिनेट मैरिज पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट सेरेमनी आदि के लिए भी आ सकते हैं। तो पूरी हमारा पता है नियर खंडोली पार्क, गिरिडीह, झारखंड। हमें संपर्क करें अविनाश अंशु, मोबाइल नंबर 8789905694। झरिया में विकास के नाम पर लूट मची हुई है। नया मामला झरिया से सामने आया है। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा DMFT फंड से सिमला बहाल मेन रोड से भालगोड़ा 5 नंबर रूरल बस्ती तक करीब 1.5 किलोमीटर सड़क लगभग 1,80,00,000 की लागत से PCC सड़क निर्माण हो रहा है, जिसमें बालू की जगह गिट्टी का डस्ट का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही सीमेंट का मात्रा काफी कम दिया जा रहा है, जिससे अभी से ही सड़क में दरार होने लगी और धूल उड़ने लगा है, जिसका ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया और काफी देर तक कार्य को रोक दिया। इसे लेकर बस्ती के लोगों ने कहा कि सड़क निर्माण कार्य में भारी अनियमितता बरती जा रही है, ऐसे में हम लोग काम नहीं होने देंगे। वहीं निवर्तमान पार्षद शैलेंद्र सिंह ने कहा कि कार्य में भारी अनियमितता को देख संबंधित विभाग को जानकारी दी है। साथ ही कहा कि उपायुक्त को पत्र देकर दोबारा निर्माण करने का मांग करेंगे, साथ ही संवेदक पर कार्रवाई की मांग करेंगे। बन रहा है, कैसा बन रहा है, क्या देख रहे हैं? देखिए रोड जो है सिमला बहाल रोड से भालगढ़ा तक बन रहा है, लेकिन रोड का जो है क्वालिटी आप देख सकते हैं कैसा काम किया। और ओवरसियर आ नहीं रहा, बार बार ओवरसियर हम लोग बुला रहे हैं। ओवरसियर कौन विभाग से काम हो रहा है? रोड डिवीजन से। क्या क्या कमी है रोड में, क्या किस तरह का काम हो रहा है? सभी देख रहे हो, रोड फट रहा है, ये हो रहा है, नुकसान है यहाँ पर। मटेरियल कैसा है? मटेरियल भी है वो ऐसा, क्या मिला के ला रहा, नहीं ला रहा किसी ने पूरा काम हो रहा है। 1.5 किलोमीटर तक है। अब लोग वहाँ काफी हंगामा कर रहा है कि सड़क अच्छा नहीं बन रहा है, क्या क्या ऐसा है कि बार बार यहाँ पब्लिकली विरोध हो रहा है उसका। यहाँ पे ये आरियो का ये काम है, लगभग 1.5 करोड़ का काम है, और इसमें घोर अनियमितता बरती जा रही है। यहाँ बालू के जगह में पत्थर का डस्ट को मिलाया जा रहा है। मेरे पास वीडियो वगैरह सब भी है, हम सब आगे अधिकारी को भी कंप्लेन किए, हम इनके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भी कंप्लेन किए हैं। कल हम आवेदन देने जा रहे हैं उपायुक्त महोदय को इस संबंध में कि इसकी जांच कराई जाए। विरोध करने के बाद काम जो है चल रहा है? जी, काम रेगुलर चल रहा है, और एक बड़े यहाँ धनबाद जिले के बड़े घराने का नाम इसमें आ रहा है, तो खुल के पब्लिकली इसका विरोध भी नहीं कर पा रहे। सत्ता पक्ष के ये हैं, वो उनके चलते लोग बोल भी नहीं पा रहा है। अधिकारी से बात की है, कंप्लेंट की, क्या बोलेंगे? हम मनोज जी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, उनको फोन किए थे आज, वो बोले कि हम राजगंज साइड पे हैं, ऐसी अगर बात है तो हम इसकी जांच करेंगे। अगर जांच में गड़बड़ी पाया गया तो क्या मतलब फिर से रोड बनने का? बिल्कुल, इसको तोड़ के फिर से रोड बने, नहीं तो इस संवेदक का पूरा बिल को रोका जाए। जो बन रहा है किस मटेरियल, किस तरह से डाला जा रहा है? अरे मटेरियल में खाली छाय डाला रहा है। अच्छा। सीमेंट तो डाला ही रहा है, पर इसमें देखिएगा तो ज्यादा गर्दा नजर आएगा। जरा पानी मारिए सीमेंट में तो धुला जाएगा तो पापड़। अरे ये झोल झाल काम हो रहा है, कौन ठेकेदार काम दिया है समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग विरोध भी किए लेकिन उसी तरह काम हुआ? विरोध किए, 3 लाख के इल्जाम लगा दिया हमारा, उसीलिए हम भैया बेटा शांत कर रहे हैं। 20 आदमी है, किसको क्या दिया नहीं दिया हमको मालूम नहीं, लेकिन हमारा 3 लाख के विलम्ब लगा दिया, 3 रंगदारी मांग रहा है। अब इसको रोडवा हम मना कर रहे हैं, भैया इसमें सीमेंट डालो, बढ़िया रेत डालो, तो साला बालू दे रहा है, तो उधर वाला कचरा बालू है और बेटा गिट्टी का चूर डाल दे रहा सीमेंट के जगह में। बोलिए इतना झोल झाल काम हो रहा,
तो क्या किया जाए इसका? चलेगा ये रोड? चलेगा? अरे एक छह महीना नहीं चलेगा, कहानी डी एंड हो जाएगा, समझे? सरकार को देखना चाहिए कि लुच्चा लोग को दे दिया कौन कौन ठेकेदार को, इस पर ध्यान दीजिए। पब्लिक तो खैर आवाज उठाइए रहा, लेकिन इसमें कुछ मिला हुआ है भाई लोग, समझे ना? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सोनू खान। रोड अब मटेरियल देखे तो नहीं है, उभर से रहता तब न कुछ पता लगता है इसमें, ये क्या बन रहा नहीं बन रहा के जानने जा रहा। रोड तो ऐसे अभी फट रहा, इतना तो डस्ट उड़ रहा है, अभी हाल है, अभी नया नया बनाई है। क्या लगता है कितना दिन तक चलेगा ये रोड? इसका कोई अंदाजा नहीं है, मतलब मटेरियल में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है इसमें। हाँ हो सकता है, इसमें कोई देखा नहीं ना, अपना बना के ला रहा है, अपना सभी कर रहा है। कहाँ का कितना दूर से बना के ला रहा है ये तो नहीं मालूम है, उधर भालगढ़ में कहीं बन रहा है। अच्छा, मतलब सामने मटेरियल नहीं बन रहा है? नहीं सामने मटेरियल नहीं बन रहा। अभी से देखा जा रहा है कि ऊपर का सीमेंट पूरा छोड़ दिया जा रहा है। हाँ। तो आगे चल के तो ये चलने वाला नहीं है? नहीं देखिए अब आगे वाला ना बताएगा सर, यहाँ तो आगे भविष्य क्या है, अभी रोड पूरा चारों तरफ फटना स्टार्ट हो गया भी है। रोड मतलब सही निर्माण नहीं हुआ है। तो अभी सीमेंट इसका छूटने लगा, एक बरसात पार होगा उसके बाद ही रोड भी पार हो जाएगा साथ में। चाहिए बताए घर का ही रोड है, निर्माण जो हो रहा है, आप लोग कई लोग विरोध भी किए हैं, फिर भी मतलब कुछ नहीं, बस इसी तरह बना के चल गया, क्या, क्या कर रहा है? बड़े बड़े लोगों को टेंडर मिलता है, सरकार का पैसा है, बंदर बांट कर रहा है, मतलब ये रोड चलने वाली नहीं है। सवाल ही नहीं है, किसी कीमत पर नहीं चलेगा, खाली बरसात आने दीजिए, बरसात में इसका खत्म हो दीजिए बरसात आकर के, उसके बाद ही समझ में आ जाएगा क्या हुआ नहीं हुआ। अभी भी कई कई जगह रोड फट चुका है जी, बिल्कुल ना पानी डाला है, ढाल करके चला गया, इसमें बंदर बांट हुआ है ये जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विष्णु देव यादव है।